गुरु जी को लख आदेश, माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अनंत रचनाएं 10 महाविद्या पर, और उन अनंतों को अगर 10 गुना कर दिया जाए तो उतने सारे विधान 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए। लेकिन जब शब्द आता है 10 महाविद्या, तो महाविद्या को सिद्ध करने का भी विधान है। ऐसे तो 10 महाविद्या क्या है? काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातांगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। मतलब काली तारा महाविद्या, मतलब त्रिपुर सुंदरी महाविद्या किसको बोला गया? त्रिपुरा को। भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातांगी, कमला, मतलब कि लक्ष्मी जिनको आगे चल के बोला गया, ये 10 देवियां 10 महाविद्या के रूप में प्रसिद्ध है। 10 महाविद्या में महाविद्या किसको माना गया? त्रिपुर सुंदरी को। और काली को माना गया सर्वश्रेष्ठ महाविद्या। ठीक है, तो दोनों समझने की बात है। देखो, जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति मतलब क्या? शिवा दुर्गा। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो लोग बोलते हैं लाल फूल नहीं चढ़ाना। हम लोग जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? महादेव पे जो पुष्प चढ़ाना है चढ़ाना है, लेकिन जो अर्घ है उस पे लाल फूल चढ़ाते हैं। तो शिवा दुर्गा, पार्वती और लक्ष्मी, इनको 3 प्रतिमूर्ति माना जाता है, और सबके जो भैरव हैं वो शिव हैं। ठीक है, जब जब महादेव प्रसन्न हुए, अलग अलग उनके अवतार हुए, अलग अलग जो अवसर हुए, अवसरों को ही अवतार माना जाता है, महादेव में कोई भी पुरुष अवतार उनका नहीं हुआ, तो जो भी अवसर पर उनका अवतार हुआ तो उस समय जो उनके साथ पराशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ उसको ही महादेवी माना गया। ठीक है, और हर महादेवी का एक अलग अलग विधान है, पूजा का है ना, साधना का। तो आज जिस महाविद्या की हम लोग बात करने वाले हैं, साक्षात महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी, इसके लिए क्या करना है? साधना 21 दिन की रहेगी, या अभी जो चैत्र नवरात्रि 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ रहा है, उस बीच में अगर आप साधना कर लेते हैं तो ये 9 दिन की साधना हो जाएगी, 21 दिन की नहीं रहेगी। उससे पहले बात शुरू करते हैं तो 21 दिन की साधना रहेगी, शुद्ध सात्विक साधना होगी, किसी प्रकार का संबंध नहीं बना सकते हैं। आपका शयन जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं वहीं पर नीचे होगा, पृथ्वी शयन होगा। ठीक है, वस्त्र लाल पहनते हैं भगवती की आराधना में, अपने हाथ से बना हुआ भोजन बिना नमक का, साथ में फूल और फल भोग में देते हैं, अलग से पुष्प चढ़ाते हैं, गंध चढ़ाते हैं, गंध का मतलब क्या होता है? धूप दीप। ठीक है, दीप चढ़ाएंगे अलग से, वो भी सर्वप्रथम साधना करने के लिए एक भोज पत्र लेंगे और अष्टगंध से एक यंत्र बनाएंगे। तो यंत्र का पूरा संस्कृत में वर्णन है, मैं आपको हिंदी में उसको समझाता हूं। जो आपका स्क्वायर पेपर है, चतुर्भुज आकार का, उसके मध्य में क्रिम लिखेंगे, भगवती काली का बीज, और उसके बगल में हम भुवनेश्वरी भगवती का बीज लिखेंगे, ह्रिम। ठीक है, उसके बाद इन दोनों बीज अक्षरों को हम त्रिकोण बना करके घेर देंगे। जब त्रिकोण बनाएंगे तो त्रिकोण का 2 कोना हमारी तरफ, 1 कोना सामने की तरफ। ठीक है, इस त्रिकोण को फिर हम घेरेंगे 4 कोने से, मतलब चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, इस चतुर्भुज के बाहर में हम फिर अष्टदल बनाएंगे। ठीक है, अष्टदल का मतलब 8 कोनों वाला एक दल बनाएंगे, और सबसे ऊपर में एक सर्कल बनाएंगे और इस पूरे यंत्र को घेर देंगे।
तो ये जब हम लोग कर लेंगे तो ये आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। इस यंत्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर इस यंत्र को स्थापित करेंगे, यंत्र खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहे तो इस यंत्र को फ्रेम करवा लीजिए या ऐसी व्यवस्था रखें जिससे ये यंत्र खड़ा रहे, आपको दिखे जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो यंत्र जागृत हो, ऐसा ऐसी स्थिति में यंत्र होना चाहिए। बहुत लोग अपने नजर के सामने नीचे भी रखते हैं इस यंत्र को। यंत्र की सिधाई में यंत्र के बाहर मध्य में घी का दीपक जलाएंगे, ठीक है। जो चौकी है उसके चारों तरफ चार धूप जलाएंगे, है ना, धूप दीप मतलब अगरबत्ती, आपको जो भी जलाना है वो आप जला सकते हैं, ठीक। एक तरफ भोग चढ़ाएंगे, एक तरफ फल चढ़ाएंगे, फिर मध्य में पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक। जो भी आपको द्रव्य चढ़ाना है, उसके बाद सिंदूर चढ़ाना है, रोली चढ़ाना है, जो महिलाएं वो सिंदूर चढ़ाएं, जो पुरुष हैं वो रोली चढ़ाएं, है ना, वो सब एक पुष्प को समर्पित करके आपको चढ़ाना है, कुछ भी यंत्र पर नहीं चढ़ाएंगे आप। उसके बाद हर रात्रि को 21 रात्रि या नवरात्रि अगर चल रही है तो 9 रात्रि तक 21 माला जो मूल मंत्र है उसका जाप करेंगे। क्या है मूल मंत्र? मूल मंत्र है हुम श्रीम ह्रीम वज्र वैरोचन्यै हुम हुम फट स्वाहा एम, अंत में एम लगेगा। हुम श्रीम ह्रीम वज्र विरोचन्यै हुम हुम फट स्वाहा एम, फिर से सुनिए, हुम श्रीम ह्रीम वज्र विरोचन्यै हुम हुम फट स्वाहा एम। इस मंत्र के जाप से आप 21 माला रोज करते हुए भगवती को जागृत करेंगे। देखो जब आप त्रिपुरा को जागृत करते हैं ना तो उनके ऊपर की जो दो भगवती हैं, मतलब तारिणी, तारिणी मतलब तारा, तारा को सिद्ध करना बहुत मुश्किल माना जाता है। जब महादेव भगवती को 10 महाविद्या साधना के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तारिणी की उपासना का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम है, और अगर आपने सिद्ध कर लिया तो उस पद की प्राप्ति आपको होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मतलब क्या, तो मंत्रार्थ ज्ञान, मंत्र चैतन्य, शव साधना, शमशान साधना, योनि साधना, ब्रह्म साधना, क्रिया साधना, भक्ति साधना, मुक्ति साधना, ये जितने प्रकार के साधनाएं हैं ये सब आपको तारिणी साधना से मिल जाएगा, ठीक है। और उससे भी ऊपर क्या है, भगवती काली। जब आप काली की साधना करते हैं तो नमस्ते चंडिके चंडी चंड मुंड विनाशिनी, नमस्ते कालिका काल महाभय विनाशिनी। महाभय क्या होता है इंसान को? मृत्यु का होता है। मृत्यु का भय इंसान का कब समाप्त होता है? मृत्यु का भय इंसान का तब समाप्त होता है जब मृत्यु के बारे में ज्ञान आ जाए, जब पूर्ण ज्ञान आ जाए, जब उनको समझ में आ जाए कि मृत्यु होती ही नहीं है। नमस्ते चंडिके चंडी चंड मुंड विनाशिनी, चंड मुंड का की परिभाषा किसी और वीडियो में मैं दूंगा। नमस्ते कालिका काल महाभय विनाशिनी। तो ये जो दो शक्तियां हैं ये स्वयं तारिणी और काला काली जो हैं ये सिद्ध हो जाती हैं आपकी। साधना पूर्ण होने के बाद आप आम की लकड़ी पर हवन करेंगे, 9 आम की लकड़ी बिना गांठ वाली, ठीक है। दिशा दक्षिण की ओर आपका मुख रहेगा और तिल साथ में मधु मिला करके, हवन सामग्री मिला करके और लौंग मिला करके आप दशांश जो है वो भोग देंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 21 दिन की साधना है तो 21 दिन का दशांश, 9 दिन की साधना है तो 9 दिन का दशांश, दशांश मत बढ़ाइएगा दिनांक को लेकर के, ठीक है। इतना करने के बाद ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी और जो यंत्र है उस यंत्र को आप मढ़वा करके अपने पूजा स्थान पर रख दें महाविद्या के नाम पर, और जब भी कुछ आपको काम हो, जब भी कोई प्रयोजन हो तो उस यंत्र से इस मंत्र के थ्रू निवेदन करें और जो भी आपका कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा इस मंत्र के द्वारा। इस उस यंत्र से आप जो भी मांगेंगे आपका पूर्ण होगा। ये है महाविद्या की साधना। अभी उत्तम समय है, 9 दिन में 2 तारीख अगले महीने से 10 तारीख के बीच में ये सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।
जिनको बेसिक साधना सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। उसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जिनको मेरा दैनिक कार्यक्रम जानना है और जिनको मेरे लिखे हुए लेख पढ़ने हैं वो www.akurtantra.com पर चले जाएं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें हम चले जाएं। बहुत अर्जेंट हो तो 9431188585 इस पर एक व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती महाविद्या आप सबको सुख समृद्धि देते, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।